दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा चैनल जिसमें हम आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज लेके आते हैं। तो आज का बिजनेस आइडिया एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप अपने घर से भी शुरू करके आसानी से काफी पैसा कमा सकते हो। ये बिजनेस एक लघु उद्योग बिजनेस है जिसमें आपको ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना ज्यादा स्पेस चाहिए, ना ही कोई आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए। इसे आप आसानी से जब मर्जी शुरू कर सकते हैं। साल भर चलने वाला ये बिजनेस जिसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें और कोई भी पॉइंट बीच में से स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस हम आपके लिए लेके आए हैं, ये आप एज ए स्टार्टअप बिजनेस इसे शुरू कर सकते हैं और ये स्मॉल बिजनेस में आता है। तो ये बिजनेस है नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मतलब नोटबुक, रजिस्टर, कॉपी किताब बनाने का बिजनेस। सभी तरह का इससे आप कॉपी रजिस्टर बना सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि इसमें रॉ मटेरियल क्या यूज होता है और मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है और प्रॉफिट मार्जिन क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको चाहिए होता है पेपर और इसका ऊपर वाला टाइटल गत्ता, जिसमें आपका नाम और आपका ब्रांडिंग वगैरह लिखा होता है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये है पेपर के सैंपल और ये है आपका टाइटल का सैंपल। तो इसमें आपको बेसिक रिक्वायरमेंट ये दोनों चीजों का होता है। आपका पेपर जितने मर्जी GSM का हो सकता है, जैसे जैसे इसका क्वालिटी बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका रेट भी बढ़ता है। नॉर्मली ये जो पेपर का क्वालिटी है, ये आपको 50 से 52 से 60 रुपीस के बीच मिल जाता है। तो अगर इसका टाइटल का बात करते हैं हम, जिसमें ऊपर आपका ब्रांडिंग और नाम वगैरह लिखा होता है, तो ये टाइटल आपको तकरीबन जो छोटी कॉपी का होता है वो 1.5 रुपये से लेकर 2 रुपये तक का पड़ता है, और A4 नोटबुक जो बड़ा रजिस्टर है उसका आपका तकरीबन 3 रुपये के आसपास पड़ता है। जैसे जैसे आपका ये बढ़ता जाता है साइज नोटबुक का, वैसे वैसे इसका रेट भी बढ़ता है। आपका क्वालिटी के हिसाब से भी इसका रेट सारा वेरी करता है। आप जैसे का भी इसका प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं वैसे का इसमें प्रिंटिंग हो जाता है। इसका पेपर का बात करें तो पेपर में जैसे आपका सिंगल लाइन होता है, डबल लाइन होता है, 3 लाइन होता है, आपका मैथ वाला लाइन होता है, वो सारे इसमें प्रिंटिंग हो जाते हैं। आप जैसे का भी प्रिंटिंग चाहोगे आपको वैसे का मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा, और इसका रॉ मटेरियल इजीली हर जगह अवेलेबल है। ये नहीं कि ये आपको किसी पर्टिकुलर सिटी में मिलेगा या कहीं जगह सस्ता मिलेगा, इसे आप हर जगह खरीद सकते हैं। और ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो के एंड में आपको रॉ मटेरियल और मशीनरी के सप्लायर का भी सारा कॉन्टैक्ट देंगे कि आप किन से खरीद सकते हैं और किन से आपको सस्ते रेट में मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में कि नोटबुक बनता कैसे है, कैसे इसका प्रोडक्शन होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट होती हैं प्रोडक्शन के लिए, और कैसे इसको एक्यूरेटली हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक फुली ऑटोमेटिक मॉडल, जिसमें आपका 3-in-1 मशीन है, जिसमें स्टिचिंग, फोल्डिंग और स्क्वेयरिंग होता है। मतलब आपका नोटबुक पहले स्टिच होगा, स्टिचिंग के बाद उसका बैक स्क्वेयर फोल्डिंग होगा और एंड में उसका बैक स्क्वेयर होगा। बैक स्क्वेयर होने के बाद आपका एंड में कटिंग प्रोसेस आएगा, कटिंग में जिसमें आपके नोटबुक का फिनिशिंग आएगा, और एंड में आपका श्रिंक रैपिंग होगा जिसमें आप नोटबुक पैक कर सकते हो, और एंड में आपका प्रोडक्ट तैयार होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा फुली ऑटोमेटिक 3-in-1 नोटबुक स्टिचिंग, फोल्डिंग एंड स्क्वेयरिंग मशीन। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। फुली ऑटोमेटिक टच स्क्रीन मॉडल है ये। इसमें आपने नोटबुक का साइज, कितने कितने सेंटीमीटर पे मुझे पिन चाहिए, कितना मुझे फोल्ड चाहिए, कितनी स्पीड चाहिए, एज स्क्वेयरिंग कितने में चाहिए मुझे, वो सारा आप सेटिंग कर सकते हो। जैसे कि आप फ्रंट स्क्रीन में देख रहे हो, इसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। आप इसमें सेटिंग अपने हिसाब से करके एक्यूरेटली नोटबुक को प्रोड्यूस कर सकते हो। इसमें आपके एक्यूरेट काफ़ी प्रोडक्ट रहते हैं, आपको कोई भी मतलब
आपको इसमें कोई भी एक्यूरेट लेबर की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आदमी कोई भी इसमें काम कर सकता है और इजीली कर सकता है बिना कुछ ज़्यादा सीखे भी। तो जैसे ये देख रहे हैं कि हम इसमें सारा प्रोग्राम सेटिंग कर सकते हैं और देखें कैसे भी ये प्रोग्राम सेट हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। हमने सबसे पहले नोटबुक को इकट्ठा इस टेबल पर रख लेना है। टेबल के पर रखने के बाद एक एक करके हम नोटबुक को आगे आगे धकेलते जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली पिनिंग स्टेशन पे जाएगा नोटबुक को लेके, और उसके बाद फोल्डिंग स्टेशन पे जाएगा, और एंड में आपका स्क्वेयरिंग स्टेशन से बाहर निकल के आपका नोटबुक प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे हम आपका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली नोटबुक्स को आगे लेके जाएगा। आगे ले जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली जितने जितने सेंटीमीटर आपने डाले होंगे उतने उतने सेंटीमीटर पर ही आपका पिनिंग होगा। पिनिंग होने के बाद आपका ऑटोमेटिकली ये फोल्डिंग स्टेशन में जाएगा। फोल्डिंग स्टेशन के बाद एंड में आपका बैक स्क्वायर होगा। तो देखते आपके कैसे इसका मशीन वर्क करता है। जैसा कि आपने देखा कि यह था फुली ऑटोमेटिक मशीन जिसमें आपका नोटबुक सारा तैयार होकर बाहर आता है और सिर्फ इसमें आपका एंड में कटिंग का प्रोसेस रह जाता है। तो अभी जो जाते हैं हम कटिंग स्टेशन में, कटिंग मशीन का वर्किंग देखते हैं कैसे वो कट करता है और कैसे कैसे उसमें आपका ये डबल नोटबुक से सिंगल सिंगल नोटबुक का कन्वर्जन होता है। तो चलिए देखते हैं कि कटिंग मशीन कैसे वर्क करता है। तो आज ये जो कटिंग मशीन आप देख रहे हो ये सेमी ऑटोमेटिक कटिंग मशीन है जो सारा बटन से काम करता है। इसमें आपके सेफ्टी सेंसर्स होते हैं, हाथ आगे हो तो मशीन नहीं चलता। जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, इसमें इकट्ठी नोटबुक्स रखी हुई हैं, इनको आप कटिंग करके एक्यूरेटली मतलब फिनिशिंग ला सकते हो। डबल डबल नोटबुक होता है उनको इसमें कटिंग करके सिंगल में कन्वर्ट किया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं कैसे इसमें आपका कटिंग हो रहा है, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या बटन दबाकर आपका कटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है।
जैसे आपने देखा कि कटिंग करने के बाद कैसे इसका फिनिशिंग बढ़िया आ जाता है नोटबुक का, और सिंगल सिंगल में कैसे कन्वर्ट होता है। तो अभी इसका प्रोसेस आता है नोटबुक्स को पैक करने का। पैकिंग का प्रोसेस होता है कि इसको लैमिनेशन वाली रैपिंग करने का। आप 5-5, 6-6 नोटबुक को इकट्ठा इस श्रिंक रैपिंग मशीन में रख के पैक कर सकते हो। इससे ये होता है कि नोटबुक में कभी मॉइस्चर नहीं आता, आपका पेपर कभी ख़राब नहीं होता, और लॉन्ग लाइफ तक मशीन जो आपकी नोटबुक्स है वो कहीं पड़े भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं आता, और इसमें सेल भी इजीली हो जाती है नोटबुक्स। तो ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसी मशीन का यूज़ करके अपने नोटबुक को रैप करके ही अपने स्टॉक में मेंटेन करते हैं, जिस वजह से उनका स्टॉक इजीली मेंटेन रहता है और कभी भी पेपर ख़राब होने का दिक्कत नहीं रहता। तो आप देख सकते हैं कि कैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार है और कैसे नोटबुक मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है। तो अभी देख लेते हैं इसका प्रॉफिट मार्जिन, क्या क्या प्रॉफिट होता है नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग में, और आप पर मंथ कितने की अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसका प्रॉफिट रिपोर्ट क्या है। तो देखते हैं कि आपका जैसे पेपर है वो 1 kg जो रॉ मटेरियल है वो ₹50 से लेके ₹60 के बीच आता है। तो जो हम अगर हम अप्रॉक्सीमेट 56 भी लेके चलते हैं तो 1 kg का कॉस्ट आ जाता है आपका ₹56, और आपका 1 kg के बीच जो 20 rupees वाली नोटबुक है वो 7-8 pieces बन जाते हैं। तो अगर हम उसका 1 kg पे आपका इलेक्ट्रिसिटी और लेबर कॉस्ट ₹4 मानते हैं, और साथ में अगर हम टाइटल का कॉस्ट भी ऐड करते हैं, 8 नोटबुक का लमसम 8 रुपीस या 7 का भी 8 डाल के अगर हम चलते हैं, तो हमारा 1 kg का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ₹68 आता है, और यही 1 kg आपका होलसेल में ₹85 पर kg सेल आउट होता है। तो अगर हम एक प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं 1 kg पे तो हमारा लमसम ₹17 के आसपास आ जाता है। तो एक दिन में अगर हम 50 kg भी प्रोड्यूस करते हैं, 50 kg के नोटबुक भी बनाते हैं, तो हमारा 8 घंटे में तकरीबन ₹400 माल बन जाता है। और इसी 400 kg को अगर हम 1 kg के प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 6800 प्रॉफिट एक दिन का निकल जाता है। और इसी को अगर हम पर मंथ का देखें तो हमारा 22,40,000 आराम से प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। और ये था हमारा 8 hours की शिफ्ट का। और अगर आप इसे दो शिफ्ट में चलाते हैं तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डबल हो जाता है। इस तरह से इस बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है और आप इजीली सारा बिजनेस रन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपने वीडियो देखी है नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। बहुत ही ईजी बिजनेस है, आसानी से आप शुरू कर सकते हैं। आप इसमें जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से शुरू कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर के पास छोटे से लेके बड़े तक सारी मशीन्स है। अगर आपका बजट कम है तो आप इसे कम बजट में शुरू कर सकते हैं, और अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप फुली ऑटोमेटिक मशीन्स लेके ज़्यादा एक्यूरेसी और हाई प्रोडक्शन के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर आप इन मशीन्स और रॉ मटेरियल को परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनसे मशीन्स परचेज करके अपने बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। बिजनेस शुरू करने की प्रॉपर गाइडेंस इनके द्वारा दी जाएगी, और कैसे कैसे बिजनेस करना है उसके लिए सारा अवेलेबिलिटी भी ये प्रोवाइड करवाएंगी। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम नए नए बिजनेस आइडियाज़ लेकर आते रहते हैं। We'll be right back.